गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स आज हमारी क्लास है. आज हमारी इस क्लास में सेल्फ डिफेंस की थर्ड क्लास है. तो थर्ड वाली जो क्लास के अंदर हम आज नान चाकू का थर्ड स्टेप लर्न करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप आप ऑलरेडी कर चुके हो, सेकंड वाला आपको बता दिया. अब आज के इस वीडियो में मैं थर्ड वाला पार्ट, लेकिन मैं आपको फर्स्ट सेकंड दोनों कंटिन्यू करके फिर थर्ड स्टार्ट करूँगी, ताकि आपको याद रहे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अपन को चलना है. ओके हमारा जो पहला वीडियो था उसके अंदर आपका नान चाकू का फर्स्ट स्टेप था कि फोर हेड के सामने हमारा नान चाकू कैसे रखना है. ओके वन पूरा टू थ्री फोर फाइव. ओके तो ये हमारा फास्ट, आपको फास्ट कैसे करना है, फटाफट इसको ऐसे पकड़ना है. ओके ये होल्ड किया सर के ऊपर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर. तो ये था हमारा फर्स्ट. अब सेकेंड में क्या करना है, नान चाकू को पूरा ऐसे सामने से न्यू थ्रो करना है. हमारे पास नान चाकू होता है, तो सेकेंड में ये था कि इन केस जैसे कभी कोई आ जाता है हमारे सामने तो अभी आने वाला है, तो हमारे पास नान चाकू है, हमने पट्टियाँ से निकाला और ये सामने से पट्टी वाश किया. तो इस तरह से ये हमारा सेकेंड स्टेप था नान चाकू. तो ये हमारा सेकंड था कि किस तरह से नान चाकू को ओपन करना है और सामने वाले के सर पे से इस तरह से सामने ऐसे लगता है ऐसे, ऐसे. ओके तो इस तरह से हमने पूरा हाथ खोला और उसकी स्पीड, हाथों में स्ट्रेंथ होगी तभी नान चाकू अच्छे से चलेगा. तो इस तरह से आपको ये सेकंड स्टेप. तो अब क्या करें, जैसे ये नान चाकू जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया नान चाकू को ऐसे थ्रो किया और आपने सेकेंड हैंड से फ्रंट से हाथ को आगे से हाथ को ले जाके और नान चाकू को अपने से होल्ड किया. तो अब क्या करना है, आपको वापस खींचना नहीं है, आपको वहीं छोड़ के होल्ड करना है और फिर वापस इसको ऐसे दबाना. पीछे गया, देखो नान चाकू को आपने आगे से थ्रो किया और इस नेक्स्ट जो हाथ है हमारा दूसरे हाथ से आगे से लेके और हमने नान चाकू को होल्ड किया. ठीक है, तो अब इसको पकड़ना और फिर वापस छोड़ना और इस पावर से इसी हाथ से इसको वापस खींच के अपनी हाथ में दबाना, फिर वापस होल्ड किया वापस. ओके अब नेक्स्ट करना इस हाथ से इसको खींच के और ये जो चीज जो आपने इससे किया उसी से सेकंड हैंड से आपको रिपीट करना है, ऐसे होल्ड करना है और ये मतलब ऐसे टाइट रहना चाहिए. अगर आपने इसको पकड़ा है तो ये आपकी खाक ऐसे यहाँ से निकलना नहीं चाहिए नान चाकू, क्लियर. इस तरह से आपको निकालना है और फिर वापस ये था आपका थर्ड पार्ट. ओके वापस कैसे नान चाकू को ऐसे लेके जाओ. ओके नान चाकू को आगे से लिया, आराम से इस हाथ से इसको यहीं से पकड़ा और वापस छोड़ के वापस यहीं से हाथ को उसको छोड़ दो, फिर वापस उसमें डाल. लगेगी थोड़ा लेकिन ध्यान रखना. ओके ऐसे पकड़ना और ये तो आप राइट हैंड से कर रहे हो और लेफ्ट हैंड से इसको सपोर्ट लगा रहे हैं. अब अगर राइट लेफ्ट से करना है तो यहाँ से आपने होल्ड किया इसको ऐसे खींच लो. ठीक है खींचा, अब राइट हैंड से आपको ऐसे पकड़ो और ऐसे करो, ये सपोर्ट ये इन सपोर्ट इन सपोर्ट इन, यानी लेफ्ट हैंड से ही आपको नान चाकू चलाना है. ओके ये थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा है, अदरवाइज ये ऐसे आता ना तो ये मुँह पे लग जाता, तो इसलिए इतना ज़्यादा भी नहीं, ये इतना ही पार्ट दबना चाहिए. ओके ये हमारा लेफ्ट हैंड से हमें नान चाकू ऐसे चलाना है. ठीक है क्लियर, होल्ड और ये दबाना, क्लियर. आराम से करना है, लगनी नहीं चाहिए,
देखो अभी क्या है कि जैसे कई बच्चों के पास नान चाकू नहीं है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमारे पास एक रस्सी है, रस्सी हमने ले ली, उस रस्सी को एक साइड से हमने होल्ड किया, एक रस्सी के पास में जैसे कुछ छोटा सा रबड़ लगा लो, छोटी सी बॉल लगा लो जिसमें ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए, ताकि अगर हमें सीखना है, अगर आप पत्थर लगाओगे तो आपकी लग जाएगी, वो निकल जाएगा। ओके, तो जैसे छोटे छोटे हमारे पास में जैसे अपन रिलायंस से सब्जी परचेज करते हैं, उसमें एक जाली वाली नेट आती है, तो उस जाली वाली नेट में आप क्या करो, दो तीन जैसे सॉक्स है पुरानी है उसका आप अच्छे से गोल गोल कर लो। पुराने ज़माने में वो पुराने सॉक्स की ना वो बनाते थे बॉल, ओके, तो उसको बना के उस नेट में लगाओ, फिर उस नेट को उस रस्सी के साथ यहाँ बांध दो और फिर उसके साथ आप प्रैक्टिस करो, ऐसे क्लियर है, ऐसे करके बस आपको वो जो बॉल बनाई वो बॉल यहाँ आ जानी चाहिए, इतना डिस्टेंस, ऐसे क्लियर है। अब ये जैसे ये आप ले रहे हो कि मैम अगर मैंने रस्सी मुझे कितनी लेनी है, ओके, एक जैसे आपने रस्सी ली तो एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा लेके फिर उसमें आप उसको बांधो और यहाँ से उसको होल्ड कर लो, फिर रस्सी कितनी लेनी है आप देख लो कि मामा के एक बिलान देना है इतना लेके, फिर इतने में आप अपनी छोटी सी बॉल उसके साथ बांधो, ओके, फिर इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, उस बॉल को टच करना है और फिर अगर कोशिश ये फिर ऐसे देखो, अगर हमें प्रैक्टिस करनी होती है तो हम कुछ भी जुगाड़ लगा सकते हैं, ओके, तो प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके पास जब ये नान चाकू आएगा, जब आप परचेज करोगे तो आप अच्छे से कर सकते हो, ओके। तो ये है हमारा नान चाकू का फर्स्ट स्टेप, ओके फ्रेंड से। ऐसे इसको खींचना है, ऐसे रखना है, ऐसे टाइट टाइट नहीं पकड़ना, ऐसे कर दिए क्योंकि ऐसे पूरा चेन में नहीं, ओके, इस तरह से नेक होल्ड, ये होता है कि इतना जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत छोटा होने लग जाएगा ऐसे, ठीक है, जब भी हमारे सामने कोई होता है तो हम कोई पीछे आएगा तो पीछे से लग जाएगी, पीछे भी कोई नहीं आ सकता है, क्यों, आपने नान चाकू आगे चलाया और फिर ये लोग पीछे से उड़ी, पीछे से भी लगी, ओके, ये देखो नान चाकू आगे जा रहा है कितना पीछे जा रहा है, ये देखो तो लगेगी हल्का हल्का लगती है, थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन आपको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, अगर जिसके पास नान चाकू है तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से आपको लर्न करना है, ओके। अगर फिर भी अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है कि मैम फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आप मुझसे क्वेश्चन पूछना, मैं रिप्लाई करूँगी उसका, आपको अच्छे से जवाब दूँगी, नहीं समझ में आया मैं वापस अलग से स्टेप बाय वन ABCD जैसे वीडियो बना के आपको शेयर करूँगी कि नहीं मैम कुछ बना नहीं। हाँ, अगर आप घर पे बना सकते हो कि छोटा सा नान चाकू कैसे बनाना है रस्सी से एक लकड़ी पे बांध पे जिसे बोलते जुगाड़, तो एक आपकी हेल्प हो जाएगी, उससे क्या कि आप सीख जाओगे धीरे धीरे, तो आप बना के मुझे दिखा सकते हो कि मैम देखो मैंने इस तरह से बनाया है, ओके। एक बच्चे ने बनाया रस्सी के द्वारा बना के उसने मुझे नान चाकू को फर्स्ट स्टेप सीखा देखा वीडियो बना के और मुझे वीडियो को शेयर किया और मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, यानी इसको प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी उसने अपने आप मतलब कि एक नान चाकू रस्सी से बना लिया, जो रस्सी से हम स्किपिंग करते हैं ना उससे, उसने क्या किया आधी रस्सी को बना के उससे बना, क्यों, क्योंकि जो रस्सी का बैक साइड वो होता है ना होल्ड करने वाला उस पर पकड़ने का था अच्छा वाला, सेकेंड वाला उसने इतना बना के और फिर इस तरह से प्रैक्टिस, तो आप भी ये सब कर सकते, ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।